नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यूं आया यूपी के प्रयागराज के असरवाई की ओर ले चलते हैं, जहां पर सड़क न बनने के कारण ग्रामीणों में भारी समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं गांव के ही रामानंद यादव कृपाल राकेश मूलचंद बिंद का कहना है कि सड़क न बनने के कारण बारिश में बच्चों को विद्यालय आने जाने में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं गाँव में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस भी घर तक नहीं पहुँच पाती है। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी शिकायत हम लोगों ने कई बार अधिकारियों से भी की है, लेकिन ग्राम प्रधान राजकुमार से भी कई बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी सब समस्याओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज 12 से मनोज कुमार की रिपोर्ट। कितनी बड़ी समस्या है, रोड इतनी गंदी है कि भाई साहब चलने में आने जाने में बहुत नरक है। हमेशा चाला कीचड़ रहता है, आदमी पैदल जाने में तकलीफ होती है, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, कैसे स्कूल जाना आना। गांव में स्कूल है, प्राइमरी पाठशाला है, वहां भी जाते हैं तो दिक्कत होती है आने जाने की। यहाँ की सड़क जो है गैला, उसमें आज तक न गिट्टी पड़ी न कुछ पड़ा न खरंजा बुछा। इसकी शिकायत आपने प्रधान से की? प्रधान यहाँ दिखाई नहीं देते, वो गौहनिया में रहते हैं, जब से वोट पड़ा कभी आते ही नहीं। फिर में भी सूचना दी, प्रधान से भी मौखिक सूचना दी, लिखित तो नहीं दिया है, लेकिन प्रधान यहाँ कभी आते नहीं। प्रधान का नाम क्या है? प्रधान का नाम राजकुमार पटेल है। सड़क है, बरसात में कोई बीमार लोग निकल नहीं सकता। बीमार यहाँ अगर कोई बीमार बीमार हो जाए तो यहाँ निकलने के लिए कोई एम्बुलेंस भी नहीं आती, जो कि वही सड़क पर रुकती है और कहती है।